नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की। यहाँ हमारे हनुमान मंदिर पर हुआ राम सत्ता का आयोजन। आगे बात करेंगे देवास की, यहाँ बजरंग दल द्वारा पकड़े गए गौतस्कर। और चर्चा करेंगे रतलाम की, जहाँ गर्मी से मर रहे चमगादड़। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। महादेव महाकाल की शिव नगरी जुन्नारदेव विशाला, जिसे हम पहली पारी के नाम से जानते हैं। जुन्नारदेव की दुर्गम पहाड़ी पर संकटमोचन हनुमान महाराज का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का नाम ही हमारे हनुमान मंदिर रखा गया है। भीषण गर्मी पर श्रद्धालुओं द्वारा विशाल राम सत्ता का आयोजन किया गया। देखने में आया कि ग्रामीण अंचलों से आए भजन मंडलियों द्वारा पिछले 24 घंटे से गीत संगीत और नृत्य के साथ राधे कृष्ण की भक्ति करते हुए प्रस्तुति की गई। इस राम सत्ता पर समस्त ग्रामीणों सहित बड़ी संख्या में माता बहनें उपस्थित रहीं। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। देवास शहर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पकड़ा गोकशी का कार्य। चल रहा था ग्राम खेती में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। प्रशासन ने दोषियों को पकड़ा गया और दोषियों के मकान तोड़े गए। फिर भी जानकारी लगातार गायों से भरे ट्रकों को पकड़ा गया। प्रशासन को जानकारी दी विश्व हिंदू के परिषद के अध्यक्ष रमेश कौशल द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग की गई। देवास से सीनियर संवाददाता बालचंद्र की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। यहाँ पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क तोड़ाई निकट बाइक और भुटभुटिया की जोरदार टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें आनन फानन में सोना जोड़ी या सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक दराज माठ निवासी कमलेश अपने भुटभुटिया में डेकोर का सामान लेकर पाकुड़ से दराज माठ की ओर जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा में पाकुड़ से जा रही बाइक ने टक्कर हो गई, जिससे भुटभुटिया और बाइक पलट गई। इसमें भुटभुटिया चालक की मौके पर मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया। घायल की स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के बाद रेफर कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे हिरणपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार ने परिजनों को समझाकर सड़क जाम मुक्त करवाई। इसके बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्घटनाग्रस्त भुटभुटिया और बाइक को जब्त कर लिया गया है। इस बाबत थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। पहले सोलागढ़िया के पास जो पुल है वहाँ पर एक दुर्घटना हुई है, जिसमें कहा गया कि भुटभुटिया और मोटरसाइकिल में टक्कर हो, तो उसमें से जो भुटभुटिया चालक था वो जो है जब लाया गया तो उनमें दुरुस्था में, और जो बाइक सवार थे उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा गया। जो भुटभुटिया चालक जो मृत हैं वो जो है कुलेश शाह, वो दराजमठ से बिलोंग करते हैं, जबकि दूसरा जो है मोहम्मद सादिक, ये जमनी खिलबंधा भागलपुर के रहने वाले हैं। थैंक यू। क्षेत्र का तोड़ाई गांव से सोलागढ़िया से आगे मेन रोड में गुटगुटिया गाड़ी और मोटरसाइकिल में दुर्घटना हुई। इसमें गुटगुटिया चालक को मौके पर गंभीर दुर्घटना हुआ और इलाज के क्रम में थाना में सदर अस्पताल में मृत्यु हुई। हालांकि घायल है सादिक से, उसका इलाज करके यहाँ से रेफर किया गया है। कुछ देर के लिए अफवाह जा रहा है कि चिकित्सक द्वारा रेफर कर दिया गया, ऐसा कुछ मामला नहीं है। कुछ देर मृतक के परिवार कुछ समय के लिए आक्रोशित थे, पर हिरणपुर थाना प्रभारी महोदय आए, इसमें सब आए और समस्या को समाधान किया। आगे सरकारी कार्रवाई चल रही है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है। यहाँ चमगादड़ों की मौत, कई मामले सामने आए हैं। दो दिन पहले नगर निगम परिसर में कई चमगादड़ों की मौत हुई। इस मामले में अब पशु चिकित्सा विभाग ने संज्ञान ले लिया है। मृत चमगादड़ों के शव को सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजा गया है। विभाग ने प्राथमिक जांच में पाया कि चमगादड़ों की मौत गर्मी से हुई, लेकिन जब जांच रिपोर्ट नहीं आई तब जब कुछ स्पष्ट नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों रतलाम में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया था और ऐसे में कई चमगादड़ों की मौत हो गई, गर्म हवाओं और ज्यादा तापमान से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए पशु चिकित्सा उप संचालक डॉक्टर नवीन शुक्ला ने कहा कि गर्मी का तापमान ज्यादा होने के कारण चमगादड़ों की मौत हुई है। चमगादड़ दिन पेड़ों पर रहते हैं, उन पर पानी का छिड़काव करना जरूरी है, जिससे तापमान में कमी आएगी तो चमगादड़ों की मृत्यु भी नहीं हो पाएगी। देखिए, नगर निगम के पास जो बरगद का पेड़ है मजार के पास, वहाँ पर काफ़ी चमगादड़ों के मरने की खबर आई थी। इस संबंध में पशु चिकित्सा विभाग की टीम जो है मौके पर गई थी, उन्होंने सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, जिसको हम भोपाल भेज रहे हैं। संभवतः ये जो मृत्यु हो रही है ये हीट स्ट्रोक के कारण हो रही है, जो कि अभी ज़िले में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसी के कारण जो है ये जितने भी चमगादड़ हैं इनकी मृत्यु हो रही है। इनकी जो रोस्टिंग प्लेस है जहाँ पर रेस्ट करते हैं, वह संभवतः वहीं पर ये ज़्यादा मृत मिले हैं,
और चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इनकी जो एक प्रोसेस होता है जिसमें ये अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए फैनिंग करते हैं। फैनिंग के कारण क्या होता है, इंटेंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और इसके कारण टेम्परेचर बॉडी का और हाई हो जाता है जिसके कारण मृत्यु हो रही है। सर, उनको इनका टेम्परेचर कम करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, जहाँ रेस्ट करते हैं उसको? टेम्परेचर कम करने के लिए एक ही तरीका है कि वहाँ पर जो है टेम्परेचर रेगुलेट कर लेंगे या स्प्रे करें, वाटर स्प्रे अगर होगा तो टेम्परेचर वहाँ का कम होगा और उसमें इनकी मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।